शुरुआत करेंगे बीकानेर की खबर से, जहां मदर्स डे पर एक मां की हत्या कर दी उसके कलयुगी बेटे ने। धारदार हथियार से, बेरहमी से उसने अपनी मां की हत्या कर दी है। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, पुलिस ने आरोपी बेटे संदीप को पकड़ भी लिया है। महिला की उम्र लगभग 55 साल के करीब बताई जा रही है। बीकानेर की जयनारायण व्यास कॉलोनी का मामला है। नशे के आदि बेटे ने धारदार हथियार से अपनी मां को मार डाला। शव फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बीकानेर से, एक शख्स ने, एक युवक ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी है। जी मीडिया संवाददाता रौनक व्यास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रौनक, क्या मामला है जरा बताएंगे विस्तार से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि बड़ी दर्दनाक घटना हम कह सकते हैं कि एक बेटे ने ही अपनी मां का गला काटकर हत्या कर दी। दरअसल कल देर रात की घटना है, जब संदीप जो है वो घर पहुंचा था, नशे के पूरी जो हालत में था, उस वक्त जो है ये घटना सामने निकल के आई कि उसने अपनी मां का कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। संदीप को जो है राउंड अप कर लिया गया है। कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए, पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ा सवाल है कि रौनक जिस दौरान हत्या हुई, क्या घर में और भी लोग मौजूद थे? फिलहाल इन सब पहलुओं पर पुलिस काम कर रही है, पूछताछ कर रही है। फिलहाल घर में मातम का माहौल है और कहीं ना कहीं बड़े सवाल है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी अभिषेक, और संदीप के बारे में कुछ पता चल पाया है और ज्यादा की क्या करता है? देखिए, फिलहाल पुलिस ने राउंड अप किया है। पुलिस अभी फिलहाल पूरे मामले को लेकर मीडिया के सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह की जानकारी जी मीडिया को मिली है उसके मुताबिक ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, जिसमें जिन हाथों ने यहाँ पर बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं हाथों ने मां की जिंदगी छीन ली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस की गिरफ्त में हत्यारा बेटा, हालांकि पुलिस ने अभी पूरा खुलासा नहीं किया है इस मामले का कि परिवार में और कौन कौन लोग हैं या संदीप करता क्या है, लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि कल रात की यह घटना है, जब शराब पीकर नशे की हालत में यह घर पहुंचा था और इसने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी।